नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिक विक्रा चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल और आरएम 2020। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट्स हमारा कभी भी जारी हो सकता है। ऑफिशियल साइट में हुई हलचल 24 से 27 मार्च के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बार क्लियरिटी के लिए आपको जरूर देखना होगा फ्रेंड्स, और उससे पहले हम ऑफिशियल साइट पर जाने से पहले आपको क्लियरिटी दे देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बताया गया है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक रिजल्ट 2020 डेट, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, रिजल्ट ओवरव्यू, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रिजल्ट रिलीज डेट क्या इन मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च और अप्रैल 2020 में कभी भी रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट यूआर लिंक आपको अटैच्ड बिलो, यानी कि जो भी हमारा यूआरएल लिंक दिया है उससे आपको अटैच रहना होगा फ्रेंड्स। अब हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल साइट पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं ऑफिशियल साइट पर क्या आया हुआ है। तो सबसे पहले अपना क्रोम ओपन करना है फ्रेंड्स, और क्रोम ओपन करने के साथ साथ यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है, क्या यहाँ पर करना है, bsf.nic.in, और इसको यहाँ पर आपको सर्च कर देना है, ठीक है। और सर्च करने के साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये ऑप्शनल साइट पर ले जाएगा। ले जाने के साथ साथ आपको करना क्या है, आपको नीचे की ओर ले जाना है, और नीचे की ओर ले जाने के साथ साथ यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप रिक्वायरमेंट पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स, क्लिक करने के साथ साथ आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग स्पॉट और यहाँ पर गैलरी रिजल्ट, ठीक है, यानी कि रिजल्ट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप रिजल्ट पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए 24 से लेकर 27 तक यहाँ पर क्या प्रोसेस चली है फ्रेंड्स, यानी कि इस वायरस के अंतर्गत भी यहाँ पर इस भर्ती में कोई प्रोसेस यहाँ पर नहीं रुकी है। तो यहाँ पर 24 में देख लीजिए फ्रेंड्स क्या, फाइनल रिजल्ट ऑफ फॉर सेलेक्शन और टू द वायरस ट्रेड इन द कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन्स, ठीक है, एग्जामिनेशन इन बीएसएफ कितना, SPL OPS बीएसएफ ओडिशा एट खुर्दा लोकेशन, ठीक है, यानी कि ओडिशा के लिए। और इसके बाद यहाँ पर 24 को एक बार और देख नीचे देख लीजिए, यहाँ पर त्रिपुरा के लिए, और इसके बाद यहाँ पर क्या, फाइनल रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन टू द वायरस ट्रेड इन द कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन्स एग्जामिनेशन इन बीएसएफ RAFTR हेडक्वार्टर बीएसएफ जम्मू, ठीक है, यानी कि 27 के आज की डेट में आया फ्रेंड्स ये जम्मू का फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट, और यहाँ पर इसके ऊपर आया फ्रेंड्स इंदौर का, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर देख लीजिए यहाँ पर क्या, गुवाहाटी पैटागन असम, ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 24 से लेकर 27 डेट तक, यानी कि इतने मार्च तक यहाँ पर प्रोसेस चली है, यानी कि ट्रेडमैन्स का यहाँ पर रिजल्ट अलग अलग भागों में तोड़कर दिया है, ठीक है, यानी कि एक बार दिया है ओडिशा का, और एक बार यहाँ पर क्या जम्मू का, और फिर यहाँ पर क्या इंदौर का, और इसके बाद यहाँ पर गुवाहाटी असम का, ठीक है, और इसके इससे पहले आता त्रिपुरा का। तो फ्रेंड्स जैसे ट्रेडमैन्स का यहाँ पर रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के साथ साथ यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स का रिजल्ट यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि उसका कोई निश्चित डेट नहीं है कि कभी भी हो सकता है, लेकिन हलचल चली हुई है साइट पर, हलचल है। तो फ्रेंड्स आपका रिजल्ट भी जल्द ही घोषित होने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर हमारा पूर्ण रूप से ये ट्रेडमैन्स का क्लियर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जा सकता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में ऊपर दिया गया है, यहाँ पर मार्च और अप्रैल में कभी भी घोषित किया जा सकता है, कोई निश्चित नहीं है कि कब क्लियर हो जाए, ठीक है, यानी कि मार्च में तो लगभग लगता है कि ट्रेडमैन्स का यहाँ पर क्लियर हो जाए, और उसके बाद यहाँ पर अप्रैल में लगभग क्लियर हो जाने के चांस बनते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ जानकारी जो बच्चों को देनी थी, आवश्यकती। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता ही, प्लस आज जिम से जुड़ जाना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ, अब तक जय हिंद जय भारत।